हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमारे चैनल सैड गेमिंग में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ MSMC के बारे में। नहीं दोस्तों, कोई गाली वाली नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि MSMC दोस्तों एक अच्छा गन है। क्लोज रेंज क्लोज क्वार्टर फाइट में अगर आप लोग जाते हो, आप लोगों को रन एंड गन करना पसंद है और आप लोग क्लोज क्वार्टर फाइट ज़्यादा लेते हो, तो ये गन दोस्तों आप लोगों के लिए बीस्ट होने वाला है। और मैं आज बताने वाला हूँ कि आप लोग MSMC को कैसे, कौन से जो है अटैचमेंट के साथ, कौन से पार्ट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इस गाइड वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस गाइड के बाद आप लोग बनने वाले हो प्रो कॉल ऑफ ड्यूटी में। तो ज़्यादा इमोश नहीं करते, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करें यार। दोस्तों MSMC एक दोस्तों SMG है, जो इंडियन SMG है, मतलब ये गन इंडिया में बना है। तो पहले बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि एक इंडियन गन भी हमारे कॉल ऑफ ड्यूटी में है। तो ये एक इंडियन गन है MSMC, और बहुत ही पावरफुल गन है, बहुत ही OP गन है। हाँ, इसके साथ दोस्तों और एक चीज़ भी आता है, जो है बहुत ही ज़्यादा रिकॉयल, बहुत ज़्यादा रिकॉयल है दोस्तों। इसका जो जो गन का बाउंस है, आप लोग मेरे गेम प्ले में जैसे कि देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बाउंस जो है होता है गन जब आप लोग चलाते हो। तो मैं कभी कभी टैप टैप फायर करके भी मिड रेंज से जाकर, ये गन क्लोज रेंज में बीस्ट है, मिड रेंज में दोस्तों कभी कभी पिट जाता है, और लॉन्ग रेंज में दोस्तों हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के आप मर जाओगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर वो अगर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें तो आप लोग मर सकते हो। और जैसे कि मैंने जो जब भी देखा, मतलब गेम प्ले में भी आप लोग देख सकते हो कि मैं जब लॉन्ग रेंज में लेता हूँ तो ज़्यादा टाइम दोस्तों मैं टैप टैप करके उस गन को यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली ये भी आप लोग कर सकते हो टैप टैप करके, तो इसके आप लोग उसके बाद आप लोग रिकॉल को कंट्रोल कर सकते हो और इसके गन का जो है अच्छी पोटेंशियलिटी बाहर ला सकते हो आप लोग। तो बहुत ही सही सा गन है दोस्तों। तो आप लोग जो है अगर क्लोज क्वार्टर फाइट लेते हो तो आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने MSMC गन में। तो दोस्तों MSMC में आप लोगों को दोस्तों जो अटैचमेंट्स लगाने होंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से इस गन का पोटेंशियलिटी बाहर ला सकते हो, वो है दोस्तों आप लोग डायरेक्टली मेरा जो लोअर टू में जा लेते हैं, लोअर टू में दोस्तों पहले आ लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर MSMC में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, MSMC दोस्तों पहले तो आप लोग कार्पोरेटर का पूरा मैक्स आउट कर लेना, फिर ही होगा ये सब। पूरा मैक्स आउट करने के बाद आप लोग सीधा आ जाइए अटैचमेंट्स में। दोस्तों ऑप्टिक्स में मैंने कुछ भी नहीं लगाता, अगर आप लोगों को कुछ पसंद है तो लगा सकते हो, पर मेरा मानना है दोस्तों ऑप्टिक्स में आप लोग कुछ ना लगाओ तो ही बेटर है, क्योंकि इसका जो आयरन साइट है वो बहुत एक्यूरेट है, आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेड डॉट या फिर होलोग्राफिक की। फिर दोस्तों दूसरा जो अटैचमेंट होता है, आप लोग दोस्तों क्विक ड्रॉ ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रिकॉयल बहुत ज़्यादा है, आप लोग क्विक ड्रॉ से इसका रिकॉयल और फास्ट जो है रन भी ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक्सटेंडेड मैग जरूर से लगाएगा अपने गन के, क्योंकि दोस्तों इसमें 30 बुलेट सिर्फ लोड होते हैं, काफ़ी है एक आदमी को मारने के लिए, दो आदमी को भी मार सकते हो अगर गन का अच्छे से यूज़ करते हो। पर दोस्तों मुझे मानना है कि आप लोग अगर एक्सटेंडेड मैग यूज़ करो 38 बुलेट्स आप लोग दोस्तों लोड कर सकते हो, तो इससे आप लोगों का ही चांसेस बच जाएगा अपने एनिमीज़ को मारने का। और फाइनली दोस्तों फोरग्रिप, बहुत ही ज़्यादा जो फोरग्रिप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी गन को रिकॉयल को संभालना है तो फोरग्रिप ज़रूर से लगाइए, क्योंकि फोरग्रिप लगाने से आप लोगों का जो है मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगा और उसके साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आपका जो है रिकॉयल भी कट जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने गन में, और किसी भी चीज़ दोस्तों यूज़ मत करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस तीनों चीज़ों से आप लोग अपने गन को बहुत ही अच्छे से संभाल पाओगे और ज़्यादा अच्छे से आप लोग का जो है अपने एनिमीज को का ढेर कर पाओगे। तो अब आ जाते हैं दोस्तों सेकेंडरी वेपन में, आप लोग जाके देख सकते हो सेकेंडरी वेपन में आप लोग जो भी चाहे, आप लोग पिस्तौल रख सकते, मैं तो नहीं रहूँगा पिस्तौल तो आप लोग रखो, मैं तो नहीं चाहूँगा अगर आप, और ये गन से आप लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रन एंड गन करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आप लोग अगर इसको लेके जो दौड़ोगे तो कति फ्लैश बनने वाले हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दौड़ सकते हो, क्योंकि मैं जो पार्ट्स बताने वाला हूँ इसके बाद, इससे आप लोग तो श्योरी शॉट आप लोग जो है फ्लैश बन जाओगे, आप लोग यू घुसोगे मारोगे बाहर चला जाएगा, इतना अच्छा ये गन है। तो आप लोग यहाँ पर नाइफ रख सकते हो, मुझे तो मैं आप लोगों को तो प्रेफर करूँगा नाइफ से अच्छा आप लोग ये रख लो, जब भी अपना गेम आप लोगों का जो है SMG का, मतलब ये MSMC का अगर कोई बुलेट कम पड़े तो इससे एक को उड़ा सकते हो। पर अगर आप लोग को स्पीड चाहिए, मुझे तो इसमें स्पीड बहुत कम मिलता है, पर अगर आप लोगों को स्पीड चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि नाइफ रख लो,
बहुत ही सही सा चीज़ है। नाइफ बहुत ही आप लोग का स्पीड बढ़ा देगा। अब आ जाए दोस्तों जो है ऑपरेटर स्किल में, वो आपके हिसाब से रख लेना। अगर आप लोग 33 लेवल से ऊपर हो तो ही दोस्तों ये गन आप लोगों के लिए अनलॉक होगा, या फिर आप लोग शॉप से जाके खरीद सकते हो इस स्किन इस गन का, तो आप लोगों का अनलॉक हो जाएगा। तो आप लोग इससे आप लोग जो अच्छा लगता है, आप लोग अगर 33 लेवल पे हो तो आप लोगों का ये दोस्तों खुला नहीं होगा, आप लोगों का ये तीनों खुला होगा। तो आप लोग जो अच्छा जो मन चाहे वो कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, जो गन आप लोग को पसंद है। यहाँ पर मैं दोस्तों ट्रिप माइन यूज़ करता हूँ, पर अगर आप लोग चाहो तो ग्रेनेड या फिर जो स्टिकी ग्रेनेड यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। और जो है सेकेंडरी जो है आप लोग अगर टैक्टिकल में आप लोग जाओगे तो आप लोग उस वहाँ पर भी कोई भी चाहो, अगर आप लोग कंक्लूजन ग्रेनेड चाहो या फिर स्मोक ग्रेनेड चाहो या फिर आप लोग फ्लैश बैंक चाहो, जो भी अच्छा आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई बात नहीं है। मेरा मेनली जो चीज़ है वो है पर्क्स। पर्क्स में मैं कहूँगा दोस्तों आप लोग लाइट वेट यूज़ करो, अगर आप लोगों के पास है तो लाइट वेट जरूर से यूज़ करो। अगर आप लोग 33 लेवल से ऊपर हो तो आप लोग लाइट वेट जरूर से होगा, तो लाइट वेट आप लोग दोस्तों यूज़ करना। और इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो स्पीड है वो 10% बढ़ जाएगा, और आप लोगों का जो लाइट वेट क्या होता है कि आप लोगों का गन का जो है वेट कम कर देता है, इससे आप लोग कति फ्लैश बनने वाला, जैसे कि मैंने कहा था। अगर आप लोगों के पास लाइट वेट आप लोगों को यूज़ करना नहीं है तो फास्ट रिकवर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो एमओ है, आप लोगों का जो HP है, आप लोग जब भी आप लोग बुलेट लोगे अपने जो है बॉडी पे, तो आप लोग जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी रिकवर कर जाओगे। फिर आ जाते हैं दोस्तों दूसरे पार्क्स पे। तो दूसरे पार्क में आप लोग यूज़ कर सकते हो टफनेस। टफनेस क्या करता है कि आप लोगों का जो है, जब आप लोग किसी भी ओपोनेंट से आप लोग जो है क्लोज क्वार्टर फाइट लेने जाओगे, तो आप लोगों का जो डैमेज होगा, मतलब आप लोगों के ऊपर बुलेट जो है गिरना बहुत ही कॉमन बात है। आप लोग बहुत डैमेज लेने वाले हो गेम में, क्योंकि रन एंड गन करने वाले को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो टफनेस क्या करता है कि दोस्तों आप लोग जब भी कोई भी बुलेट आपके ऊपर आके लगेगा, तो आप जो जब भी बुलेट लगता है कि आप लोगों का गन जो हिलता है वो दोस्तों कम हिलेगा, 16% तक आप लोगों को कम कर देगा। जब आप लोग जो है जब भी फ्लिंच जो होता है, फ्लिंच मतलब जो हिलना होता है गन का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप लोग ये टफनेस और भी गन्स में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ और किसी को नहीं यूज़ करता। अगर आप लोगों के पास टफनेस नहीं है, पीटी श्योर आप लोग 33 ऊपर हो तो है, पर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग वल्चर यूज़ कर सकते हो। इससे आप लोग क्या होगा कि आप लोगों का अगर बहुत ज़्यादा एमओ आप लोग खर्च करते हो, तो इससे आप लोगों का एमओ बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। और ट्रैकर या फिर कोल्ड ब्लडेड में यूज़ करना पसंद नहीं करता, चाहो तो ट्रैकर यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोगों के एनिमीज के फूड सिर्फ 4 सेकेंड तक दोस्तों आप लोग दिख जाएगा। और अगर कोल्ड ब्लडेड यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इससे आप लोगों का कोई भी जो एआई कंट्रोल स्कोर टेकर्स आप लोगों को जो है हिट नहीं कर पाएगा। पर मैं दोस्तों टफनेस ही जो है आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जिससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोग इस ओपन को चला सकते हो। थर्ड पैक में दोस्तों आप लोग यूज़ कर सकते हो डेड साइलेंस। पीटी श्योर होगा 33 ऊपर के होगा तो नहीं हो तो भी आप लोग और भी इंजीनियर है और डेमो एक्सपर्ट है, हार्ड लाइन है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। पर डेड साइलेंस दोस्तों जब भी खुल जाएगा मैं डेड साइलेंस यूज़ करना की जो प्रेफर करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों का क्या करता है कि आप लोगों का फूड से पूरा छुपा देता है, मतलब आप लोग किसी भी एनिमीज के पीछे आके खड़े हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कहाँ पर आ गए, क्योंकि दोस्तों डेड साइलेंस क्या करता है कि आप लोगों का फुटप्रिंट का आवाज़ ही नहीं आने देता डेड साइलेंस। ये कर सकते हो। हार्ड लाइन दोस्तों आप लोग यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होगा आप लोग का पॉइंट का ज़्यादा अच्छे से पॉइंट आप लोग कमा सकते हो। डेमो एक्सपर्ट आपको डैमेज से मतलब जो बॉम्ब के डैमेज से बहुत बचाएगा। इंजीनियर आप लोगों को दोस्तों ये ट्रिप माइन और इस तरह का कुछ चीज़ें से बताया हुई, आप लोगों को दिख जाएगा वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो बेसिकली। मैं डेड साइलेंस यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, रिकमेंड भी वही करता हूँ। दोस्तों यही था MSMC का ज़्यादातर पूरा लोड आउट। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया। ये लोड आउट से आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इस गन का पोटेंशियलिटी बाहर ला सकते हो। पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा गन है। आप लोगों का फ्रेंड का अगर खुला हुआ है तो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो। पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, पीछे जो गेम प्ले अभी चल रहा है वो ज़रूर पूरा देख के जाना। तो मैं मिलता हूं दोस्तों कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। बाय। Hunter killer drone deployed. I'm down.
Nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, with the word that's out of my mouth. Just wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? I can't help you speak. Yeah, I hope that you can be exactly what you want it to be. Okay, I'm loud, hype and I'm loud. I'ma shout all about it. I feel like I'm out. Anybody ever gonna try to change it? Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. That's your. What can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no. I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. The one that doesn't give up never loses to a foe. The one that can show to myself I could go all the way to the top. Can't stop. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder. Moving forward, older, never slower. Good to know ya. Don't go make me draw my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you